हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें एक नया डाउट आया था कि भाई स्पेशल दिस इज एफएक्यू सेशन बाय द वे कि भाई व्हाट शुड बी द एनाबोलिक साइकिल लुक लाइक अ वन वीक बिफोर कंपटीशन एंड फ्यू डाइटरी टिप्स एंड एक्सरसाइज टिप्स एज दिस इज नॉट अ न्यूट्रिशन कोर्स सो वी वोंट बी एबल टू गिव यू द फुल न्यूट्रिशन गाइड बट यस एनाबोलिक गाइड हम आपको देते हैं। जैसे कि पहली बात मैं आपको बता दूं कि भाई जब आप कंपटीशन से पहले आते हो तो व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव इज टू लूज फैट, टू रिड्यूस द बॉडी वाटर लेवल्स एंड टू रिटेन योर मसल मास। फॉर लूज फैट यू नीड टू गो फॉर लो कार्बोहाइड्रेट, लो फैट डाइट, हाई प्रोटीन डाइट एंड योर कंपाउंड विल चेंज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल करंटली यू आर टेकिंग अनावर, प्रोप्योनेट, सस्टेनॉन, कंपाउंड लाइक दिस मैनस्ट्रॉन, देन यू नीड टू एटलीस्ट रिमूव द अनावर लाइक ओरल टैबलेट्स और डायनाबोल लाइक ओरल टैबलेट्स एंड स्विच अप टू स्टेनाजोलॉल विच इज अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन बट हाई इम्पैक्टफुल फैट लॉस कंपाउंड। जितनी इसकी हाफ लाइफ छोटी होगी कंपाउंड की उतनी आपकी बॉडी में ज्यादा और जल्दी इम्पैक्ट देगा, तो फैट लॉस के लिए उतना ही अच्छा है और स्मॉल डोज में होता है, 10 से 20 mg के डोज में आता है। तो स्टेनाजोलॉल इज द फर्स्ट टैबलेट विच यू कैन स्टार्ट। सेकंड, अ स्टेरॉयडल फैट बर्नर क्लैनबुट्रोल कैन हेल्प अ लॉट। क्लैनबुट्रोल इज अ हाईली थर्मोजेनिक ड्रग जो बॉडी का थर्मोजेनेसिस बढ़ाता है, तापमान बढ़ाता है, फैट लॉस करता है, फैट को बर्न करता है, एक्चुअली बर्न करता है, तो दैट्स व्हाई इट इज यूजफुल। तो ये दो कंपाउंड्स आपके चेंज होंगे और ट्राई करें कि शॉर्टर हाफ लाइफ वाले कंपाउंड कॉम्पिटिशन से पहले लिया करें, दैट्स अ चेंज इन एनाबोलिक साइकिल। नाउ सेकंड आता है कि भाई आपको फैट लॉस के अलावा वाटर बॉडी में से निकालना है, तो वाटर निकालने के लिए यू नीड टू टेक अ पोटेशियम रिच टैबलेट। पोटेशियम की रिक्वायरमेंट जनरली होती है 4700 मिलीग्राम की टैबलेट वाइज अगर देखें तो पर टैबलेट, तो 5000 मिलीग्राम की कोई भी टैबलेट होती है दैट यू कैन टेक इट, यू कैन चेक इट, पोटेशियम रिच टैबलेट। आप देखिए कई सारे टैबलेट मार्केट में पॉपुलर है जो बॉडी में से वाटर को निकालती है, पोटेशियम रिच होती है, तो दैट यू कैन टेक इट। पोटेशियम जनरली वेजिटेबल्स में से भी मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो ब्रोकली, जुकुनी, स्पिनिच, फेनुग्रीक आर द रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम, दैट ऑल्सो यू कैन टेक इट एज अ बॉडी में से थोड़े बेसिक कार्बोहाइड्रेट के लिए, फाइबर के लिए और वाटर को निकालने के लिए, तो दिस इज अ चेंज यू कैन टेक इट। रिकमेंडेशन के नाम यहाँ पे पोटेशियम के टैबलेट के नाम यहाँ पे लिखे हुआ है, तो ये भी आप रेकमेंड कर सकते हैं, लेना रहना डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर, एडवाइस के साथ लिया करें। पोटेशियम टैबलेट का क्या कॉज हो सकता है, तो दिस कैन कॉज समटाइम्स बॉडी में से ज्यादा वाटर निकाल सकता है, तो दैट कैन कॉज समटाइम्स डिहाइड्रेशन ऑल्सो, डिहाइड्रेशन कैन कॉज टू हाइपोग्लाइसीमिया, समटाइम्स ऑल्सो आप बेहोश हो जाते हैं, तो ये भी हो सकता है, ध्यान रख के इसे इस्तेमाल करें। नेक्स्ट, हमें हमने फैट लॉस किया, हमने पानी को निकाला, पानी को निकालने के लिए डाइटरी टिप्स में अगर देखिए तो वाटर धीरे 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 अगर आप 3 लीटर पीते हैं तो 10 एक दिन पहले कम करते करते 2 लीटर, 1 लीटर, 500 ml और धीरे धीरे करके 250 ml पे आए, 250 ml तो पानी चाहिए सर्वाइवल के लिए दिन में, तो वो आप ले सकते हैं चम्मच चम्मच से जो पीते हैं ना बॉडी बिल्डर्स इस तरह से। और बाकी जो है वो आपकी बॉडी में आपको ध्यान रखना है कि आप जो फूड भी है उसमें से भी पानी निकाल दें, जैसे कि पोटेटो आप स्वीट पोटेटो खा रहे हो तो उसमें से छेद कर उसे ग्रिल करें जिससे पानी निकल जाएगा, तो पानी नहीं होना चाहिए। राइस की आइटम नहीं लेनी पड़ेगी आपको, राइस खाना है अगर कॉम्पिटिशन से पहले भी कार्ब लोडिंग के लिए, बर्फ करने के लिए, तो आपको लेना चाहिए जरूरी अमाउंट में राइस केक जिसमें पानी बिल्कुल नहीं होता, सैचुरेटेड होता है, तो दैट यू कैन टेक इट फॉर वाटर। और थर्ड होता है मसल मास रिटेन करने के लिए, तो मसल मास बढ़ नहीं सकता भाई, बट हम क्या कर सकते हैं कि अपनी बॉडी को बफ्ड अप दिखा सकते हैं ग्लाइकोजन लेवल को रिफिल करके। जब आप लो कार्ब डाइट पे लंबे समय से फैट लॉस कर रहे होते जो भी 2-3 महीना, तो आपकी बॉडी का स्किन के नीचे का ग्लाइकोजन लेयर मसल के ऊपर खत्म हो चुका होता है मसल में, तो दैट यू कैन रिप्लेनिश बाय कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। तो थर्ड हमारा ये टिप है कि कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करना जरूरी है। ओवर देयर यू कैन यूज द स्वीट पोटेटो, ओवर देयर यू कैन यूज द जैसे पानी निकालते हैं ओट्स, ड्राइड ओट्स, ओवर देयर यू कैन यूज द राइस केक, और वो आप एक दिन पहले चालू करें। लोग क्या करते हैं 2 घंटे पहले बर्गर वगैरह खा ले, दैट्स अ रिडिकुलस मेंटालिटी। कॉम्पिटिशन से एक दिन पहले ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पानी निकाले हुए वो लेने चाहिए कंपटीशन से एक दिन पहले, और वो भी सिस्टमेटिक, तब प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ब्रेकफास्ट में हो, लंच में हो, इवनिंग में हो, डिनर में हो, एंड देन यू सी द नेक्स्ट डे योर बॉडी विल गोइंग टू चेंज। डोंट टेक शुगर, डोंट टेक सॉल्ट, डोंट टेक एनीथिंग दैट कैन समटाइम्स क्रिएट ब्लोटिंग, और उसकी वजह से बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स अपनी कॉम्पिटिशन हार जाते हैं। तो बी सिंपल एंड बी साइंटिफिक,
That was my take. There were three principles: lose water, lose fat, and retaining muscles and glycogen replenishment via carbohydrate loading. That was it. आपका doubt solve हो चुका होगा. Thank you so much. Gautam Jani, FJIT से signing out.